हलाल मोहम्मद शेख पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आज मैं हूँ कौसा जामा मस्जिद के पास। यहाँ पर एक कांग्रेस के हमारे नूर खतीब साहब जो है जिला अध्यक्ष है, उनके ऑफिस पे मैं आया हूँ। और उनके ऑफिस पे आया हूँ तो मुझे एक डिटेल्स में आपको जो मुमरा कौसा के आवाम को जो पता नहीं है इस बारे में, वो डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका एक आवाम का हक है। 2004 में हमारे मुमरा कौसा के लिए MMRDA ने 2-3 ब्रिज मतलब पास किया था, जो कि एक मुमरा स्टेशन पे था, एक अमृत नगर पे था और एक कौसा में था। लेकिन वो 2014 में जो है जो पास किया गया उसमें से सिर्फ एक ब्रिज जो मुमरा स्टेशन पे आज सफ़र करते हो, मुमरा स्टेशन पे आप चलते हो, वो ब्रिज है। और बाकी जो है दो ब्रिज अभी तक उसका मतलब हुआ नहीं है। तो नूर खतीब साहब जो हमारे हैं काफ़ी कमिश्नर को और एकनाथ शिंदे साहब को जो हमारे खासदार है, आमदार है और जो हमारे विधायक है, ऑलमोस्ट जितने भी ये डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं सबके पास उन्होंने लेटर काफ़ी हद तक उन्होंने दिया, काफ़ी हद तक मेहनत किया है। तो आइए इस मेहनत के बारे में उनसे हम कुछ बात करते हैं कि इसका हल अभी तक क्यों नहीं निकला है। नूर भाई बताइए कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं अभी तक और इतना आप जद्दोजहद किया है तो अभी तक ये ब्रिज का मतलब लोगों को, मैं तो जानता हूँ कि पता ही नहीं है शायद मुमरा कौसा के अंदर, तो ये ब्रिज अभी तक क्यों नहीं हुआ है? खाली जब मतलब होता है कि खाली तोड़ दो रोड के ऊपर जो झोपड़े हैं या दुकान वाले और उस समस्या को ख़त्म करने की कोशिश में लगे, तो ये ब्रिज अभी तक क्यों नहीं बन रही है और आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई है? जी पहले तो आप सबों का हमें आदाब मेरी तरफ से। तो पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद तमाम शहीदों को मैं खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई असल में मामला ये है कि मुमरा कौसा की जो आबादी है, सबसे पहले ये आबादी जो है 2008-9-10 के बाद ज़्यादा हुई है। 1984-1990 के बाद ये आबादी आना शुरू हुई और 92 के दंगों के बाद ज़्यादा आबादी हो गई। यहाँ पर एक मसला ऐसा था कि स्टेशन के पास बहुत सारे ट्रैफिक का इशू था, मुमरा स्टेशन पर बहुत कंजस्टेड होता था। आपको बताते चलो उसके साथ में कि थाना के अंदर जो माझीवाड़ा जंक्शन है यहाँ पर 1994-96 के अंदर डेढ़ डेढ़ घंटा लगता था। और 99 में जब चंद्रशेखर साहब आए कमिश्नर तो उन्होंने 2000 के अंदर जो थोड़ी कार्रवाई की मुमरा में, तो उन्होंने बहुत सिस्टम से की थी और तमाम लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेके और इंडिजन बिल्डिंग वालों से मिल करके बात करके उनका सुझाव लेते हुए काम किया था। उनको समय दिया था कि आप तोड़िए, इतने दिन में जाते फिर हमको बोलिए नहीं होता है, तो इस तरह काम, तो उन्होंने ये सारे प्लानिंग उस टाइम पे चंद्रशेखर साहब ने किए थे। थाना में ब्रिज बने, मुमरा स्टेशन के लिए 2004 में MMRDA ने जवाहरलाल नेहरू रूरल अर्बन डेवलपमेंट जो उनका चीन आदमी जिसको बोलते हैं मिशन, उसके तहत ये 3 उड़ान पुल यहाँ पर इन्होंने पास किए थे, जिसका पहला जो फेज था मुमरा स्टेशन का जो ब्रिज था, और उस ज़माने में कुछ नेताओं ने उसका विरोध भी किया था कि ब्रिज नहीं बनना चाहिए, मत बनाओ। लेकिन फिर आवाम उन्नास ने उनको बोला, प्रशासन ने अपना काम किया और फिर उसका फ़ायदा आप देख रहे। उसकी जब ओपनिंग हुई 2009 में 3 अप्रैल 2009 को, उस वक्त के जो महापौर के थाना महानगर पालिका के हमारे अभी के खासदार राजन मिचाली साहब, तो उन्होंने जब अपनी स्पीच में जो जाहिर किया था, क्योंकि कमिश्नर उस ओपनिंग के अंदर नहीं पहुंच पाए थे किसी वजह से, नहीं मालूम क्यों नहीं आए, और उसीलिए अखबारों में न्यूज़ भी चली थी। आप 4 अप्रैल 2009 का आफ्टरनून पेपर वगैरह देखे उसमें यही न्यूज़ है कि कमिश्नर वहाँ पर नहीं थे। तो उन्होंने उसमें ये डिक्लेयर किया था कि ये हमने एक भेंट दिया है नगर पालिका की तरफ से मुमरा कौसा की जनता को, और इसके साथ में हमारे 2 ब्रिज और प्रस्तावित है जिसके बारे में उन्होंने बताया डिटेल उस टाइम पे कि पहला उड़ान पुल जो है बेतेजदा चर्च से उड़ेगा और फकीरशाह दरगाह प्रवेश द्वार के पास उड़ेगा, और दूसरा ब्रिज आज का जो हमारा कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो कारवा होटल उस टाइम मशहूर था, उन्होंने कहा कारवा होटल से दूसरा ब्रिज उड़ेगा और वाई जंक्शन पर मिलेगा। और इतना बोलने के बाद में वो चले गए थे 2009 के अप्रैल में, और फिर वो सितंबर में इलेक्शन लगे और आगे की सरकार के हमारे आमदार यहाँ पर नया विधानसभा बना, नए आमदार आए, तो वो मामला पेंडिंग रहा और हमारे भी जहन में वो बात नहीं रही। लेकिन 2012-13 में इतनी गुंजान आबादी हो गई, प्रॉब्लम होने लगा, तो उस वक्त के जो खासदार थे हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस में, जो मैंने पहले किया था, तो मैंने खासदार साहब से एक मरतबा कहा कि सर हमारे यहाँ पे 2 उड़ान पुल पास हुए थे, अगर आप वो सेंक्शन करते तो बहुत अच्छा होगा। तो खासदार ने कहा कि मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं, मुझे इतना पता है कि मैंने यहाँ पे मेट्रो जो आ रही है और वो सील फाटा से होते हुए महापा रोड पर जाने वाली, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने उसके रिक्वेस्ट दिया है कि सरकार से, केंद्र सरकार से, कि मेट्रो को इस शहर को
मुमरा कौसा इस तरह होते हुए रहती है, इस तरह बाहर निकालने के लिए उन्होंने मांग की थी, सेंक्शन नहीं हुआ था। तो विधायक जी से मैंने कहा, विधायक जी ने कहा कि नहीं उसको जगह ही नहीं बचेगी, फिर कितना तोड़ेगा। तो मैंने कहा था सर ऐसी कार्रवाई तो होती है, या फिर जब लगेगी मेट्रो आएगी तब लोग देंगे अपनी जगह, क्यों नहीं देंगे। लेकिन खैर फिर वो मामला जहाँ का तहाँ रह गया, मामला हुआ नहीं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ता गया। तो आखिर हमने 2015 में फरवरी में हम लोगों ने हमारी उस वक्त जो कमेटी थी हम लोगों ने मीटिंग करके तय किया कि हम लोग अभी इसको लेकर मिशन चलेंगे। हम लोगों ने मुस्तकिल उसके ऊपर लेटर दिए नगर पालिका को, कमिश्नर साहब को पहला लेटर हमने उसके नाम से एड्रेस किया। हमारे अभी के पालक मंत्री 2015, 2016, 2017, 2018 ये 3 सालों के अंदर कंटिन्यू हमने लेटर दिया तमाम डिपार्टमेंट को। सिर्फ पालक मंत्री जी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सिर्फ एक मुझे मैसेज कंफर्मेशन का आया। और उसके बाद में जब अभी हमने 2018 के जब सितंबर में जब हमने अखबार में आह्वान किया कि कांग्रेस की तरफ से हम यहाँ पर जन आंदोलन करेंगे, तो उसके बाद में मुझे सिर्फ मुंडा पुलिस से फ़ोन आया था कि आप किस किस्म का आंदोलन आपका होने वाला है, क्या डेट आपने तय की। मैंने कहा नहीं, हमने उनको सिर्फ ये चेतावनी दी कि हमको रिप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद मैंने इस मामले में अशोक चौहान जी हमारे सामान्य अध्यक्ष को भी उसका पत्र दिया, हमारे हिमशेख साहब को दिया, थाना जिला अध्यक्ष को दिया, हमारे कोकण के जो नेता हैं हमारे कुरेशी जी डिवीजन पे उनको ही मैंने इतना दी, जो भी थाना में रहते कि भाई हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमने ऐसा आह्वान किया है। उन्होंने कहा जी जब आप बोलेंगे हम इसका आंदोलन करेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी वक्त देते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब रिप्लाई आता है। आज दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आज मजबूरन मुझे फिर दूसरा मैंने एक लेटर बनाया है और अभी हमने इस बार मुख्यमंत्री के नाम पर लेटर बनाया। पिछली बार हमने 2018 में नितिन गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री पीडब्ल्यूडी उनको ही भेजा था लेटर, पोस्ट के अंदर रजिस्टर पोस्ट के उनको भेजा है, हमारे महाराष्ट्र के मंत्रियों को दिया है, तो पालक मंत्री को दिया है, खासदार को हमारे स्थानीय डॉक्टर शिवकांत शिंदे जी को दिया है, हमारे अमृतसर अवार्ड साहब को कॉपी दी है, कवर कलेक्टर कलेक्टर साहब को दी है, यानी जितने कंसर्न डिपार्टमेंट है, यहाँ तक के एक पुलिस पब्लिक मीटिंग के अंदर हमारे DCP स्वामी साहब और ACP साहब ने कहा था धुमाल साहब ने कि हमको यहाँ सुझाव दो कि इधर के ट्रैफिक का सोल्यूशन क्या है। 16 की थोड़ी कार्रवाई के बाद भी सोल्यूशन नहीं हुआ है, इलीगल पार्किंग बनी है, हॉकर्स बैठे हैं, जो भी है, तो रास्ता तो बना नहीं। और वो और अभी वापस से इस साल भी निशानी मारे थे, लेकिन अब उनका कुछ इलेक्शन वगैरह आचार संहिता के लिए शायद ये चलने वाला है, क्योंकि रोड तोड़ने से इस मुमरा के ट्रैफिक का मैं समझता हूँ हल नहीं है। यहाँ एक पट्टा है 3 किलोमीटर का स्टेट, एक साइड में पहाड़, एक साइड में खाड़ी है, और इसको एग्जिट एक ही मेन रोड है, बाईपास है, हेवी गाड़ियों के लिए है, और इतने सारे गलियाँ यहाँ पर आके मिलती है मेन रोड पर, उसके टर्न की वजह से जो टर्निंग होती है, जो इनर एग्जिट होती है, उसकी वजह से ट्रैफिक कंजस्टेड है। मोटरसाइकिल जो ज़्यादा है शहर में, ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का जो होना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऑटो रिक्शा नए हैं वो उनको पास सिस्टम नहीं है, वो कई पैसेंजर हाथ दिखाता रुका देते, ये भी गलत है। उसके अलावा सबसे बदनसीबी की बात है कि जो सरकार की प्रशासनिक बसें चलती है, खास करके जो नई मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बसें चलती है, बिल्कुल रोड के बीचों बीच में रुका देते हैं। यहाँ तक के पीछे एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, उनको कुछ कंसर्न नहीं है। वो यहाँ तक कि मैंने एक मतलब देखा है कि NMMT की बस जो है वो एम्बुलेंस को साइड भी नहीं दे रहा था, हम लोगों ने उसको जा करके लास्ट में रुका के हमने उसको कहा दिखता नहीं, जाने दो उसको। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए हमको ये लगता है कि शहर में जो ज़्यादा ट्रैफिक आगे जाने वाला है लोकल ट्रैफिक, तो अगर जो फ्लाईओवर का जो मनसूबा था उसको अगर होता था तो बहुत अच्छा था। इसके लिए हमने जो थाना के खासदार राजेंद्र निचारे साहब जो पहले महापौर थे, उनसे भी पर्सनल मैंने मुलाकात की थी अपने दोस्तों के घर जाके, और उनसे भी ऑफिस में पूछा सर ऐसा ऐसा था तो ये जो प्रस्तावित थे क्या हुआ था, तो साहब ने हमको ये बताया प्रस्तावित नहीं थे, मंजूर हुए थे, उसके ऊपर थाना महानगर पालिका की स्टैंडिंग ने बजट भी दिया था उस वक्त में। अब उसके बाद क्यों नहीं हुआ तो बोले आप इसके लिए नगर पालिका से पूछिए, और नगर पालिका चुप्पी लिए बैठी है, हमारे पत्रों को हमारे लोकल न्यूज़पेपर में छपे हुए इसके ऊपर हमको कोई आज तक एक रिप्लाई नहीं दिया है कि भाई क्या ये शहर का इतनी बड़ी ज़रूरत है। अभी फिर ये लोग अगर तोड़ू कार्रवाई शुरू करते हैं वापस से, ये 485 घरों के लिए उन्होंने बनाई है, कुछ 350 दुकानों के लिए बनाई है, तो इससे क्या हाल होगा। तोड़ने के लिए हमने बोला ठीक है, डेवलपमेंट के लिए तोड़ना अगर ज़रूरी है तो तोड़िए, लेकिन बिला वजह तोड़ के जहाँ तोड़ा उधर तक रास्ता नहीं बना है, जो रास्ता है वो सही नहीं है, उसके बीच की डिवाइडर सिस्टम सही नहीं है। आप देखिए ट्रैफिक का जो इशू, आपको पता होगा शरीफा रोड का 1 इंच चालू है, बीच के उन्होंने महाराजा कॉर्नर का और पिंटिया जो नगर है उसका जो बंद किया है, बीच का डिवाइडर बंद करने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ जो लोगों को कौसा की तरफ आना तो रॉन्ग साइड मारते और शरीफा रोड की तरफ घुसते। यहाँ पे शादी महल रोड का उन्होंने बंद किया है, तो शादी महल की जो ट्रैफिक निकलती है वो दारुला के यू टर्न नहीं मारती है, या शरीफा रोड पर टर्न मारने जगह रखे रहते बीच में, तो वो सीधा क्रॉस मार करके दरगाह रोड पर जाती है, तो जो रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ जाती है, इतना कंजेस्टेड है, 13 लाख की आबादी वाला शहर है, इतनी गाड़ियाँ कैसे सॉल्व होगा। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से, खासतौर पर जयसवाल साहब कमिश्नर जो थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, जिनको लोग यहाँ पे बहुत सारे टाइटल्स दे रहे हैं,
हमारे अभी एक मीटिंग में उनको कहा गया कि भाई ये विकास पुरुष है, मैं उनसे खास तौर पर आह्वान करूँगा, हमारे अमदार जी से निवेदन दरख्वास्त करूँगा कि भाई प्लीज़ आप लोग इसको सीरियसली लें, ये एक अहम सॉल्यूशन है मुमरा का, भले इसको वक्त लगेगा लेकिन कम से कम पास कर ले। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि परसों की एक मीटिंग के अंदर जयसवाल साहब आए थे, उनसे बात कर नहीं पाए, लेकिन हमारे कार्यकारी अभियंती गोस्वामी साहब से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा अभियंता ने कि आप मुझसे ब्रिज की बात कर रहे हैं, मैंने 3 ब्रिज का नक्शा बनाया, अब देखते हैं। मैं यही कहूँगा कि भाई उम्मीद करूँगा कि इंसाफ मिले मुमरा कोसा के लोगों को, यहाँ की ट्रैफिक का ये सॉल्यूशन है कि अब हमने एक सुझाव दिया है नगर पालिका को अभी 18 के पत्रों के जरिए कि आप बेतेस्दा चर्च जहाँ पर अभी MMVD के पास जो रोड बन रहा है, जो अप्रैल में लोग खाली शुरू करने का बोल रहे हैं, अप्रैल में अल्लाह करे हो जाए, उसके पॉइंट के आगे से वो ब्रिज चलने वाला था, तो वहाँ से वो ब्रिज को उड़ाया जाए और सीधा वाई जंक्शन ले जाया जाए और उसको 2 से 3 निकासी जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया जाए। दूसरा सुझाव हमने दिया है कि तराव पानी पर जो कंजेस्टेड होता है, क्योंकि MMVD की तरफ का सारा ट्रैफिक जब तक वाई जंक्शन पर लिंक नहीं होता है तो प्रॉब्लम है, उसको ये लोग जो है वाई लिंक ब्रिज बना करके, तराव पानी से ब्रिज बना करके उसको MMVD के पहले का एक सर्कल है, उस सर्कल पर उतार दें, तो ये शहर का सॉल्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। तो आपका आपका कहना है कि जयसवाल साहब यहाँ के म्युनिसिपल जो कमिश्नर हैं या यहाँ के जो हमारे आमदार खासदार साहब हैं, ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हमारे मुमरा कौसा के शहर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं नहीं जानता नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, मैं समझता हूँ वो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं बिल्कुल, उनके जो काम है उससे लगता है, जयसवाल साहब की बातों से लगता है, उन्होंने काम भी करके दिए हमको, तो जयसवाल साहब मैं समझता हूँ कि उनके पास ये आया है कि अभी आपने सुना होगा बजट जो आया है 2000 हमारे 19 का TMC का, उस बजट में उन्होंने डिक्लेयर किया है, बाकायदा न्यूज़पेपर में आया है, मैंने पढ़ा है कि भाई यहाँ के लिए मेट्रो के लिए भी उन्होंने कुछ बजट रखा है मुमरा के लिए, तो मेट्रो के लिए बजट अगर म्यूनसिपलिटी रखी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस लिए बजट रखा है, क्योंकि मेट्रो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, ये तो एक अलग मुंबई रेलवे का जो एक डिपार्टमेंट है वो काम करता है, MMRDA के अंदर काम होता है, और अगर ब्रिज बनता है, बॉम्बे में बहुत सारी जगह ब्रिज है, थाना के अंदर कितने उड़ान पुल, उसके अगर मेट्रो के साथ बन रहा है, बाजू में बन रहा है ना, काम शुरू हो रहा है, थाना में भी उड़ान पुल बाद में बने, चंद्रशेखर साहब के आने के बाद ये रास्ता चौड़ा हुआ है, जरूर हुआ है थाना में। तो आपको जो है जयसवाल साहब से उम्मीद है कि हाँ जयसवाल साहब ये ब्रिज के लिए काम करेंगे जरूर, ऐसा आपका मतलब दिल कहता है, तो आप अपने हमदार साहब को भी आप एक बार मतलब आप एक लेटर वापस दे दीजिए, शायद हो सकता है अपना मुमरा कौसा का डेवलप के लिए वो भी कहें, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदार है, आज यहाँ की जिम्मेदारी है उनके सर पे, तो आज ये जिम्मेदारी को वो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो एक लेटर आप वापस दे दीजिए उनको, अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम सारे न्यूज़ वाले हम आपसे मतलब इस माध्यम के न्यूज़ के जरिए से हम उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि भाई मुमरा कौसा आज थाना के अंदर, आज हर जगह के ऊपर, वाशी के अंदर हर जगह पे ये काम हो रहा है, तो हमारे मुमरा कौसा में क्यों नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ, और मैंने अभी चूँकि अच्छा तरीका लगने का मौका नहीं है, हमारी अभी इतवार की मीटिंग हुई थी BCC की, उसमें भी मैंने ये बात रखी थी कि उड़ान पुल के मुद्दे को लेकर के इस बार मुख्यमंत्री को मिला जाएगा, हमने पत्र बनाया अभी तैयार किया, मैंने मुख्यमंत्री को मिलेंगे, कमिश्नर से पर्सनल मिलेंगे, क्योंकि पत्र अब तक देखे आए थे, अब पर्सनल मिलेंगे और मिल करके आखिरी बार उनको बताएंगे कि इतने सालों से हम पत्र दे रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट आपको बताया नहीं हो शायद, नीचे के लोग, मैंने सुना है कि थाना म्युनिसिपैलिटी में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या सिस्टम के लोग हैं जो चंद है वो, लेकिन वो ऐसे कि मेन जगह पे बैठे वो पत्रों को कचरे के डब्बे में डालते, जैसा उस तरह निकले कराते, मुद्दों को जान लेते। रही बात आमदार साहब की, तो आमदार साहब का मसला ऐसा है हमारे यहाँ पे कि आमदार साहब की बात जहन में बैठना चाहिए, बैठेंगे तो काम करेंगे, उनके दिमाग में जो कुछ लोग हैं जो उनके साथ के जो उनको राय, उनका ये मानना है कि नहीं नहीं यहाँ पे मैं ब्रिज मत बनाओ, आप उसके नीचे होकर आएगा XYZ। मैं समझता हूँ देखो शहर में अपने इलीगलिटी ज़्यादा है, इलीगल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा मसला, पार्किंग नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि अगर पे पार्किंग नगर पालिका उस ब्रिज के नीचे बनाती है तो एक पार्किंग का भी मसला हमारा सॉल्व होता है, जैसे आज बॉम्बे भिंडी बाजार जैसे इलाके के अंदर ब्रिज के अंदर आपने देखा ब्रिज के नीचे ब्रिज ये हुआ और वहाँ ब्रिज बनना सब लोग मानते थे कि नामुमकिन है भिंडी बाजार में ब्रिज बनना, आज बना, सक्सेस हुआ। थाना सिटी के अंदर जहाँ कभी उड़ान पुलों के बारे में लोग सोचते रहते, आज वहाँ पर उड़ान पुल कम्प्लीट हुए, कुछ होने के बाकी काम चल रहा है, आप जाके थाना शहर में देखिए कि जो हमारे यहाँ मशहूर है वहाँ पर एक मकबरी तालाब बन करके उसके पास एक ब्रिज बन रहा है, बाहुबली पटनम की गली में ब्रिज बन चुके कम्प्लीट होने के बाकी, कुछ कैसे मिलकर बस काम बाकी हुआ, लेकिन कैसे ब्रिज बना रहे, जब ब्रिज बना रहे हमने बोले उनको बनाओ, थाना में भी ज़रूरत है, बंजार बिल्कुल हर पूरे शहर को सब जगह काम हो, लेकिन खास हमारे लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, कमिश्नर से, आमदार से कि इसको निगलेक्ट ना करते हुए यहाँ पे ब्रिज आप ले। मेट्रो मैं नहीं समझता हूँ कि मेट्रो ठीक है सहूलत रहेगी,
बॉम्बे के भी मेट्रो में इतनी गर्दी है, मुंबई की आबादी में मेट्रो क्या करने वाली, ये गाड़ियाँ ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेहरबानी। नूर भाई एक सवाल है आपसे कि जब आप लोगों ने आंदोलन के लिए कहा था और आपने वक्त के ऊपर आंदोलन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मतलब आप लोगों ने मुंबई की जनता को बताया? नहीं देखिए बताया नहीं, ऐसा नहीं, सारे मुंबई समाचार से लेकर सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे मुंबई समाचार में चल न्यूज लगाई है कि अगर नहीं बनेगा उड़ान पुल तो कांग्रेस करेगी आंदोलन, कांग्रेस के नाम से किया, फोटो मेरा लगाया था और न्यूज आप देख सकते हैं अखबार में, मैं आपको दिखाता हूँ अखबार। और आंदोलन इसलिए नहीं कि हमने उनको एक वार्न दिया था और उस पत्र में कमिश्नर को हमने आंदोलन का कोई इशारा नहीं दिया था, वो बाकी के पत्रों में हमने दिया था, तो इसलिए हमने आंदोलन के लिए मुनासिब समझा। वक्त देते हैं उनको भी, उनको बहुत इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे काम है, हो सकता है और रिप्लाई आएगा, हम उम्मीद पे हर बार ये रहे और इस बार इसलिए हमने पसंद मिलकर उनसे जवाब लेने का सोचा है। और उसके बाद अगर वो कोई जवाब नहीं देते हैं, नहीं करें, तो फिर जैसे अगर कानून की मर्यादा में रहते हुए हम लोग उसको आंदोलन को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर करेंगे। जी जैसे आप देख सकते हो कि नूर खतीब साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि हम चलते चलते थक गए हैं, हमारी भी कोई लिमिट है और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी हमारी इस मुद्दे के ऊपर आंदोलन पे उतरेगी। मैं लाल मोहम्मद शेख, मैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।